हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बेरोजगार भत्ते की न्यू अपडेट में। तो दोस्तों, दो जिलों का बिल पास हुआ है जुलाई का, और साथियों आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले इस खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है 15 दिन से ज़्यादा गैरहाजिरी मिले तो नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप लगातार 15 दिन तक अपनी गैरहाजिरी नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पर चेक इन करने वाले आते हैं। तो वहाँ पर 15 दिन की लगातार गैरहाजिरी रहने वाले आशार्थियों का बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि साथियों अब की बारी बेरोजगारी भत्ते पर अलग अलग नियम बना रही है सरकार, क्योंकि साथियों सरकार की ज़्यादा नज़र बेरोजगारी भत्ते पर है। कोई भी गलत तरीके से भत्ता ना ले सके। तो साथियों, आप सावधान और सतर्क रहिए ऐसी चीज़ों से, और इतने दिन तक जो लगातार गैरहाजिरी नहीं कर सकते हो। बाकी साथियों, इस अपडेट को आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा साथियों, बिल पेमेंट की बात कर ले आज की, तो आप देख सकते हो करौली ज़िले से मेल और फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास हो चुका है जुलाई का, और यहाँ पर आप देख सकते हो 8,000 रुपये भी बिल पास किया गया है। तो ये जून का बिल पास नहीं हुआ था, तो ये दोनों ज़िलों को मिलाकर जुलाई में बिल पास हो चुका है 8,000 रुपये। और इसके अलावा साथियों, अगले ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो जयपुर ज़िले से फीमेल कैंडिडेटों का भी बिल पास कर दिया गया है। आपको पता है पहले मेल और विकलांग कैटेगरी का ही बिल पास हुआ था और उनका पेमेंट आया है, और आज फीमेल कैंडिडेटों का भी बिल पास कर दिया गया है। तो साथियों, इन ज़िलों को मिलाकर कुल 23 ऐसे ज़िले हो गए जिनका जुलाई 2022 का बिल पास हो चुका है। और पेमेंट की बात की जाए साथियों, तो अब तक किसी भी ज़िले का पेमेंट नहीं आया है। बाकी पेमेंट आता है तो हम आपको जल्दी अपडेट दे देंगे। बाकी साथियों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।